10 लाख नौकरी क्या संभव है, यह बात मैं फिर कह रहा हूं। इसके पीछे आधार यह है कि 2014 से 2021 तक, कितना, 2014 से लेकर 2021 तक जितनी नौकरी दी गई सरकार की तरफ से, सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, ए के मिश्रा, जितनी भी नौकरियां दी गई कुणाल कोहली जी, 10 लाख नौकरी का आंकड़ा अब तक नहीं बनता। तो फिर 1.5 साल में आप 10 लाख नौकरी कैसे दे देंगे? मेरा सवाल यहीं पे खड़ा होता है। 2014 में जब हम आए व्यवस्था में, हम ये सोच के आए थे पॉलिटिकल पार्टी जब देश से बाहर जाती है इतना बड़ा मैसेज नहीं क्रिएट करती जैसे कांग्रेस ने किया था। आप हमारे व्यवस्था की कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए, रेलवे, कोई, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, उसमें सब में लॉस चल रहा था, सब में, रेलवे भी लॉस में था। जब आप व्यवस्था में आए, सरकार में आए, तो आपको हकीकत पता चलती है। सर रेलवे भी लॉस में था, उस व्यवस्था को ठीक करने में, यानी आप बिना समय लगता है, जिस व्यवस्था को खराब करने में 70 साल लग गए कुणाल कोहली जी, उसको अगर हमने 7 साल लगा दिए ठीक करने में, कुणाल कोहली जी, आप, मैं उसी आंकड़े के मुताबिक आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि 2014 से 2021 के दरमियान, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 10 लाख नौकरी कुल मिलाकर भी सरकार ने नहीं दिया, केंद्र सरकार ने, आ रहा हूं वीरेन जी, उसका आंकड़ा यह है कि यूपीएससी ने जितनी भर्ती निकाली, यूपीएससी ने जितनी भी भर्ती निकाली उसका आंकड़ा 32,000 से ज्यादा नहीं होता। 2014 से 2021 के बीच की बात कर रहा हूं मैं। स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने जितनी भी भर्ती निकाली वो आंकड़ा पहुंचता है 3 लाख के आसपास। जो आंकड़ा सरकार ने दिया मैं वही बता रहा हूं। रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये आंकड़ा भी 3 लाख के आसपास ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। सारी नौकरी को मिला लूं, सारी नौकरी को जोड़ लूं जो आप लोगों के मुताबिक सरकार ने दी है, तब भी ये आंकड़ा 8 लाख से ज्यादा नहीं जाता। सर तो 2014 से 2021 तक आप 8 लाख से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन 1.5 साल में आप 10 लाख नौकरी दे देंगे, कैसे? मैं यही सवाल पूछ रहा हूं सर। अरे 10 लाख नौकरियां कैसे देंगे सर? मैं आपको बता रहा हूं सर, यानी 10 लाख नौकरियों का जो वादा है वो समीक्षा ली गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर डिपार्टमेंट की समीक्षा ली, कितनी कितनी जरूरत है और क्या क्रिएट किया जा सकता है। सर मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, 2014 में समीक्षा नहीं किया आपने, आपने 2 करोड़ जब नौकरी का जिक्र किया था तब समीक्षा नहीं की थी आपने, मुझे आप मुझे ये समझा रहे हैं। देखिए जब आप देश को चलाने के लिए आते हैं तो आपके पास व्यवस्था हैंडओवर करी जाती है। okay. ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। तो मैं उसी आप जब बाहर निकलते हैं सोचते हैं इस देश के अंदर, जैसे आपके आंकड़े हैं सर, ये मेरे आंकड़े, आपके आंकड़े, एक मिनट, आप सरकार में नहीं बैठे, आप ये आंकड़े सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है। मैं आप अपनी चीजें एक आंकड़ों में लाते हैं, लेकिन जब आप सरकार चलाने लगेंगे तो आपके आंकड़े हिल जाएंगे। अच्छा मैं आपके सामने स्टूडियो में बैठे हुए आप एक आंकड़े दे सकते हैं सर? ये मैंने आंकड़े घर पर नहीं बनाए, पहली बात, ये आंकड़े आप गुस्सा मत होइए, मैं एक और आंकड़ा रख, मैं आपको पूछता हूं आपके चैनल ने कितनी नौकरियां दे दी? मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो, तिलक चावला झूठे आंकड़े, प्रोजेक्ट इसलिए किया जा रहा है, आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। जो आप सेना में भर्ती की बात कर रहे हैं, 3 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई, 2018 में 80,000 भर्ती हुई थी और उसी के मुताबिक यानी कि 1.5 लाख भर्ती खाली हो गई यहां पर ही, और आप अभी भी कह रहे हैं यहां पे, तो आपने सीधे तौर पर जो ऐलान किया जी, नो रैंक नो पेंशन, आपने कहा 1 रैंक 1 पेंशन, आप ही के मुताबिक जो आज आपने ऐलान किया सेना को लेकर, ऐसा लगता है कि जैसे नो रैंक नो पेंशन, पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,000, तीसरे साल 25,000 से ज्यादा, चौथे साल में 28,000 से ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। तो आपने तो 1 रैंक 1 पेंशन की बजाय नो रैंक नो पेंशन कर दिया। जो पात्र होगा ओवर एज हो गया, फिर उसके बाद क्या करेगा वो? पांचवे साल क्या, चौथे साल के बाद पांचवे साल क्या, ओवर एज हो गया फिर क्या करेगा वो? देखिए आज जो नौकरियों के ऊपर, मैं अगर मुद्दे के ऊपर आता हूं, और जो आप जिसपे आज आप डिबेट कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां क्या दे सकेंगे मोदी जी, यस, मैं आपके अपने एडमिशन पे आता हूं कि 8.5 नौकरियों को तो आप एडमिट कर रहे हो कि है अवेलेबल। सर कैसे, जब आपने दी तो हमारे आंकड़े जो 10 लाख और 8.5 लाख के बीच में 1.5 लाख का डिफरेंस है। सरकार ने सदन के पटल पर जो जवाब दिया उसी के मुताबिक मैं जिक्र कर रहा हूं। संसद में सरकार ने यह बताया कि इस वक्त केंद्र में सेंटर में
872,000 पद खाली पड़े हैं। कितने? 872,000 पद खाली पड़े हैं। आपने नौकरी की कमिटमेंट की है 10,00,000 डेढ़ साल में। मेरी बात को समझिएगा, आपने कहा 872,000 पद खाली पड़े हैं, आप ही के मुताबिक यानी केंद्र सरकार ने सदन के भीतर जो आंकड़ा दिया उसी के मुताबिक, यानी आप डेढ़ साल में 128,000 नई नौकरियां सर्जित करेंगे। आई एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और वो कैसे, मैं भी बता दे, सेंटर में ही 872,000 पद खाली पड़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप 128,000 नई नौकरियों को सृजित करेंगे, तभी तो 10,00,000 का आंकड़ा हो जाएगा। तो फिर 10,00,000 की आप बात कर रहे हैं, 2 करोड़ से आप 10,00,000 पर आ गए, और 10,00,000 में भी आप देखिए, आप खाली पड़े हैं। चावला जी, आप ये कह, आप ये कह रहे हैं कि 8,00,000 तो है, आप भी एडमिट कर रहे हैं 8,00,000-8,50,000 नौकरियां अवेलेबल है। अब आप इसका परसेंटेज लगाइए, जो 1,50,000 चाहिए 8,00,000 समथिंग का, 10% के आसपास का 15% आंकड़ा आता है, इतनी नौकरियां जनरेट होगी टाइम के साथ। अध्ययन के अनुसार मैंने एक आंकड़ा तलाशा और यह आंकड़ा मुझे उपलब्ध करवाया किसी और ने नहीं बल्कि वरुण गांधी जी ने। वरुण गांधी जी ने कैसे उपलब्ध करवाया, उन्होंने एक ट्वीट किया था हाल ही में, और प्लीज ये सरकारी नौकरी का आंकड़ा जो वरुण गांधी जी ने ट्वीट किया था प्लीज प्ले करिएगा, सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी का इस आंकड़े को ध्यान से देखिएगा। कुल मिलाकर उन्होंने जो ट्वीट किया था और जो आधार है, ये मुझे पूरा यकीन है कि सांसद महोदय ने झूठ नहीं किया होगा, केंद्र सरकार के विभाग संस्थान में कितने, 9,10,000 पद खाली, पब्लिक सेक्टर बैंक में 2,00,000 पद खाली, हेल्थ सेक्टर में 1,68,000, कुल मिलाकर आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूल 8,37,000, उच्च शिक्षा संस्थान, ये सारे आंकड़े हैं, आर्मी और पुलिस में कितने पद खाली, 5,31,000 राज्य पुलिस में खाली, इस हिसाब से ये जो लिस्ट है। तो चावला साहब आप मुझे ये कह रहे कुणाल, 2014 से पहले सर, एक सेकंड, ये सारे पद भरे हुए थे। कुणाल कोहली जी गुस्सा क्यों हो रहे हैं, हिंदुस्तान में सब नौकरियां भरी हुई थी। कुणाल कोहली जी बताइए मुझे, आप चावला जी बैठे इसके आंकड़े दिए जा रहे, इतना गुस्सा क्यों हो रहे, सवाल ले लीजिए सर, गलत आंकड़े दिखा, इसलिए क्योंकि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करी। सर सवाल तो ले लीजिए, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप, मैं ये कह रहा हूं इसलिए भड़क रहा हूं सर, मेरे देश को खड्डे में डाल दिया था, खड्डे खुदवाते थे। अच्छा, आपने 8 साल में भर दिए ना सर, और उसको कहते थे एम्प्लॉयमेंट है। इसी आंकड़े के मुताबिक 60,00,000 से ज्यादा पद खाली, सर आप मुझे आंकड़े ठीक नहीं दे रहे, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं आंकड़ों को, मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ये आंकड़े आपके सांसद महोदय उपलब्ध करवा रहे हैं देश को, आप 20 साल के आंकड़े दीजिए ना मुझे। कुणाल कोहली जी इस लिस्ट को देखकर आप कितना भड़क क्यों गए सर, ये 60,00,000 पद खाली पड़े अलग अलग, इसलिए मैं बताऊं सर, आप जो चीज बता रहे हैं, आप एक घर का किचन की बजट दे रहे हैं, ये देश का बजट है सर, ये देश की एम्प्लॉयमेंट है। मैंने गलत लिस्ट दिखा दी क्या, ये गलत, यहाँ 20 साल का प्लान चलता, आप सत्ता में है, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। अरे आप सवाल आप ही से, नहीं नहीं आप पूछिए सर, गुस्सा नहीं है, नहीं नहीं गुस्सा मत होइए, हमारी आवाज जरा, हाँ, मैं जानता हूँ सर, जो सत्ता में होता सवाल उसी से पूछे जाते हैं, जो नहीं पूछते मैं ना पूछे, वाले पूछे, पूछे है ना सर, वो दूसरे वाले हैं, वो नहीं जो पूछते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो मैंने, क्योंकि ये मैं आंकड़ा मैंने घर पे नहीं बनाया, जो आंकड़ा सरकार ने उपलब्ध करवाया, और हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेजी गति से काम और कदम बढ़ाने होंगे, ये वरुण गांधी जी कह रहे हैं। कुणाल कोहली जी वो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं वरुण गांधी जी, यहाँ तो 10,00,000 का। सर मैं तो कह रहा हूँ 2 करोड़ भी क्यों, ज्यादा क्यों नहीं, आप देखेंगे अगले 5 साल में 2 करोड़ नौकरियां, क्या 3 करोड़ नौकरियां भी आएंगी इस देश में 5 साल में, 3 करोड़ नौकरी, व्यवस्था क्या होनी चाहिए सर, 5 साल में 3 करोड़ नौकरी देंगे आप, मैं कह रहा हूं होनी चाहिए, क्यों नहीं। ये जो नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट वाली बात है ना, कि नौकरी पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट, मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरे देश में जैसे सीरीज चल रही है ना वो हिंदू मुसलमान वाली, गारंटी दे रहा हूं सर, गारंटी इस बात की गारंटी कि अगर 1 महीना पूरे देश की मीडिया सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा कर ले, जो नहीं कर सकती मैं जानता हूं, वो ये सारे के सारे 872,000 पद, 872,000 पद भर जाएंगे, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं, ये तभी भरेंगे जब देश की मीडिया 1 महीना अगर बेरोजगारी पर चर्चा कर ले, तो ये 872,000 पद खाली नहीं होंगे, ये भर जाएंगे, ये नोट कर लेना मेरी बात। एके मिश्रा जी बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन सच बोल रहा हूं।